ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। जी प्यारे व्यूअर्स, हमारे प्याज जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही गोल्डन होंगे हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए और मज़े मज़े के खाने की रेसिपीज़ देखें और इन्जॉय करें। और प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये देखें जी, हमारे प्याज जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। और जैसे ही इनका कलर थोड़ा सा और गोल्डन होगा हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। ये देखें साइडों से प्याज गोल्डन हो रहे हैं। प्यारे व्यूअर्स, अब जो है हमारा जो प्याज है वो गोल्डन हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। प्यारे व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्ची और टमाटर, जो कि हमने पहले से काट के रखे थे। अब इसमें जाएगी सब्ज़ मिर्ची और टमाटर। प्यारे व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच सुरख मिर्च और 1 चम्मच डालेंगे हम नमक। और 1 चम्मच जाएगा इसमें हल्दी। और थोड़ा सा गरम मसाला। इसको पकने के लिए रख देंगे और उतनी देर में हम दूसरा सामान रेडी कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये नरम हो जाए अच्छे से। जी प्यारे व्यूअर्स, अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए और पक जाए मसाला। बेसन का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे 1 कप बेसन और इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 लीटर लस्सी। अब हम इसको कर लेंगे ग्राइंड और उधर हमारा मसाला जो है वो भी रेडी हो रहा है। जी प्यारे व्यूअर्स, अब हम मिक्स करके ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये जो मसाला है इसको हम पीस लेते हैं और अच्छे से ये भून भी गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये जो हमने लस्सी बनाई है, मिक्सचर बनाया है लस्सी डाल के। अब हम उसको कर लेते हैं इसमें ऐड। डालें जी, ये मज़ेदार हमारी कढ़ी बनेगी इंशाल्लाह। सारा मिक्सचर हमने इसमें ऐड कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे व्यूअर्स,
कढ़ी जो कि हमारी बिल्कुल रेडी होने वाली है, और साथ ही हम पकौड़ों का सामान रेडी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक बाउल में बेसन डाल दिया है। व्यूअर्स अब इसके अंदर जाएगा प्याज और सब्ज़ मिर्चें जो कि हमने काट के रख ली हैं, अब हम वो ऐड करते हैं। और साथ ही इसके जाएगा इसके अंदर एक चम्मच साबुत धनिया और इसमें जाएगा एक चम्मच लाल मिर्च और इसमें जाएगा एक चम्मच नमक। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और अब हम चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। जी प्यारे व्यूअर्स, कढ़ी जो कि हमारी बिल्कुल रेडी होने वाली है और इधर हम पकौड़ों का सामान रेडी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जैसे ही ये रेसिपी रेडी होती है तो इंशाल्लाह मज़े से खाएंगे और इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। प्यारे व्यूअर्स, दुआ में याद रखिएगा और मेरी मज़े मज़े के खाने, मज़े मज़े की रेसिपियाँ जो हैं वो आपके लिए आती रहेंगी और आप मज़े मज़े से उसको एंजॉय करें और दुआओं में हमें याद रखें। बस आप लोगों का साथ चाहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी जितनी भी रेसिपीज़ आई हैं आप लोगों को पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप आगे से कमेंट करें और मुझे बताएं कि मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आती हैं। जहाँ पे आपको लगे कि मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। ये नहीं कि रेसिपी देखें और आप लोग चले जाएं, प्लीज़ मेरी रेसिपी ज़रूर देखें और प्लीज़ मेरे चैनल कुक विद टेस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्यारे व्यूअर्स, हमारी जो कढ़ी है वो माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है और हम इसमें पकोड़े बना के फिर ऐड करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक आई है कढ़ी के ऊपर। हमारी कढ़ी जो है वो पक के तैयार हो गई है, अब हम पकोड़ों का सामान रेडी करते हैं, पकोड़े बनाते हैं। जी प्यारे व्यूअर्स, अब हमारी जो कढ़ी बिल्कुल रेडी हो गई है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पकोड़े जो कि हमने बनाए हैं। अब हम इनको डिप करेंगे कढ़ी के अंदर। जी प्यारे व्यूअर्स, माशाल्लाह से एक हमारी कढ़ी जो थी वो पक चुकी है। कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी माशाल्लाह से तैयार हो गई है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद है आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कुक विद टेस्ट। जी माशाल्लाह से गरम गरम चपाती के साथ नोश फरमाएं और दुआओं में याद रखें। इसी तरह हम मज़े मज़े के खाने आपकी लिए बनाते रहेंगे और आप भी इंजॉय करें और हम लोग भी इंजॉय करें। प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।